बच्चों, मैं आप सबका वेलकम कर रहा हूं हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में। और आप बच्चों को पता ही है कि हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू करा है, दैट इज चैप्टर 8, द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो कल मैंने आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बहुत सी बातें बता दी थी। मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक रिजाइड करता है। एस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो फिर मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर हम डी एफ, जो डी ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक होता है, यानी इसमें 10 ग्रुप आते हैं। उसके बाद मैंने आपको एफ ब्लॉक के बारे में बताया था। एफ ब्लॉक में दो पार्ट हैं, एक है लेंथेनॉइड्स और एक है एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड में होता है बेटा 4f ऑर्बिटल फिल, और एक्टिनॉइड्स में होता है बेटा 5f ऑर्बिटल फिल। सो लेंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट आते हैं टोटल? 14। और एक्टिनॉइड्स में कितने एलिमेंट आते हैं? 14। तो आज हमारे पास, हम आगे इंट्रोडक्शन में चलते हैं। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आजकल हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो टर्म आ रही है उसका नाम आ रहा है जी स्पाइनियल, स्पिनल, SPINEL। ये बेटा स्पेशल टाइप के मिक्स ऑक्साइड होते हैं जिनके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बाय ऑक्सीजन। यानी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्पाइनियल वो मेटल के ऑक्साइड होते हैं जिनके अंदर जो ऑक्सीजन एटम होता है वो फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस में होता है। अब फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, ये सारे का सारा बेटा हमारी ना केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हुआ करता था, और उस चैप्टर को हम बोलते थे अपना सॉलिड स्टेट। अब लास्ट ईयर से क्या हुआ, लास्ट ईयर से ही हुआ ये 2019 से, कि हमारे पंजाब बोर्ड ने, CBSE बोर्ड ने, सभी बोर्ड्स ने उस चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया, उस चैप्टर को निकाल दिया। नहीं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ करता था। अब जो आपका ये सॉलिड स्टेट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपका लिंक होता तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाते। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक आपको नाम से पता चल रहा है बेटा, एम्फोटेरिक वो कंपाउंड होते हैं जिनका एसिडिक नेचर भी होता है और बेसिक नेचर भी होता है, जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। आपको समझ आ रहा है मेरी बात, ठीक है। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनके पास जो लाइक जिंक ऑक्साइड, जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स। ये जो मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में बताने वाला हूँ ना बेटा, कॉम्प्लेक्स जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आपको हैरानी होगी कि जो अगला चैप्टर हम करने वाले हैं चैप्टर नाइन जो है बेटा पूरे का पूरा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही है। आपको याद है हम लोग IUPAC नेमिंग करा करते थे, आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड मैंने करवाया था जिसमें आप लोग फंक्शनल ग्रुप भी कर लेते थे, फिर उनकी पोजीशंस भी कर लेते थे, फिर सारी चीज़ें मैं आपको करवाता था IUPAC नेमिंग। कभी हम साइक्लिक कंपाउंड कर सकते थे, करते थे, कभी ए साइक्लिक करते थे, कभी आपको फार्मूला दिया होता था तो आपको उसका नाम लिखना होता था, कभी आपको नाम दिया होता था तो उसका फार्मूला बनाना होता, तो सब यहाँ पे ऐसा ही होने वाला है। सो अगले चैप्टर में आप इस कॉम्प्लेक्स के बहुत डीपली करोगे। तो आइए मैं आपको छोटा सा बताऊँगी कॉम्प्लेक्स होती है जी। देखिए मैंने जूम कर लिया आपके लिए, ये देखो बेटा, ये जूम करके मैं आपके सामने यहाँ पहुँच गया हूँ। और ये आप नोटिस करो, बड़ी ब्रैकेट है एफ ई है, फिर छोटी ब्रैकेट CN, छोटी ब्रैकेट क्लोज 6 है, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज 4 नेगेटिव की पावर इसमें है। सो बेटा कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कोई भी कॉम्प्लेक्स होता है ना, एक तो सबसे पहली बात बेटा उसके पास सेंटर में एक मेटल होती है, मेटल होती है, और उसके अराउंड बेटा लाइगेंड्स लगे होते हैं। लाइगेंड वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब आप खुद बताइए कितने मॉलिक्यूल आप बता सकते हो जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
अगर हम स्टडी करें, एक तो बेटा हमारे पास आ गया अमोनिया, उसके पास भी लोन पेयर है, वाटर के पास भी लोन पेयर है, हैलोजन्स के पास भी लोन पेयर है, PH3 के पास भी लोन पेयर है, PCl3 के पास भी लोन पेयर है ना, NCl3 के पास भी लोन पेयर। जो जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर होता है, कैन यू गिव मी दोज वाइट पेजेस, आई वॉन्ट 4-10 ऑफ देम, जस्ट बिलीव द रेड कार, बिलीव द रेड कार, या आई वॉन्ट दीज पेजेस, या पुल देम आउट। सो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं, आइए समझे। सो बेटा आइए मैं आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दिखाता हूं कैसा होता है। ये हमारी मेटल होगी आयरन, ये हमारे CN हो गए, कितने लगे हुए हैं, 6। सो 6 लाइगेंड लगे हुए हैं, 4 माइनस की पावर आई हुई है इसके ऊपर। सो सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, इसमें मेटल का ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। अब आप सिंपल नोट करो, CN जो लाइगेंड है उसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। सो हमारे पास यहां पे कितना हो गया, -6 अंदर हो गया, बाहर -4 दिया हुआ है। सो ये वाला -6 जब दूसरी साइड जाएगा तो ये +6 बन जाएगा, 6 में से 4 गए 2, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। और आप नोटिस कर रहे हो मैंने यहाँ पे +2 नहीं लिखा, मैंने यहाँ रोमन नंबर में 2 लिखा है, तो इसको रोमन नंबर में लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ पहले के लाइगेंड एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में होता क्या। एक तो बेटा इसमें बड़ी ब्रैकेट फॉलो होती है, एक इसमें सेंट्रल मेटल होती है, सेंट्रल मेटल, और इसमें होते हैं लाइगेंड, लाइगेंड ठीक है, और यहां पे होता है लाइगेंड का नंबर कितना है, लाइगेंड नंबर। यहां पे कॉम्प्लेक्स पे अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो लिखनी है, गो टू इट ठीक है। सो यहाँ पे -1 हमारा सेटअप होता है। सो ये हमारा सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल एटम हो गया, लाइगेंड्स के साथ कनेक्टेड होता है ठीक है। और इस पूरे पार्ट को बेटा, इस पूरे पार्ट को जिसके अंदर लाइगेंड भी है मेटल भी है, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। Just do one thing, you put those tiles and put up paper and sit. No, you can do it, please, I'm teaching, do it, it's very easy. Okay, coordination sphere हो गया। So ये होता है बच्चों coordination sphere, इसको coordination sphere बोलते हैं। So coordination sphere में एक तो metal होती है और ligand होते हैं, और हमेशा बेटा इसमें ना कोई particular shape होती है complex की। जैसे यहाँ पे कितने CN है, 6। सो आपको पता 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल शेप होती, तो आयरन है एक CN यहाँ लगा हुआ है, 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 एक CN। और आपको बता दूं जितने भी लाइगेंड होते हैं डेटिव बॉन्ड बनाते हैं, अपना अपना लोन पेयर दे देते हैं मेटल को। आप सभी जानते हो हर मेटल के पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। सो उस खाली डी ऑर्बिटल में मेटल एक्सेप्ट कर लेती है लोन पेयर को। सो -4 का चार्ज यहाँ पे इसके ऊपर ऑलरेडी है। सो कौन सी शेप होगी, ऑक्टा, आर यू डन, बच्चों बस एक सेकंड वेट करो, वी विल कंटिन्यू। सो बेटा ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता है ठीक है। सो आइए पढ़े कॉम्प्लेक्स, अ कंपाउंड और आयन विच एटम और ग्रुप्स आर लिंक टू मेटल एटम और आयन बाय अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स।
और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी डिटिव बॉन्ड मैंने आपको करवाया था, ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर बेटा हमको क्या करना होता है, इसमें बताना होता है कितने लाइगेंड हैं। आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन भी मैं सिखाऊंगा। लाइगेंड का नाम पहले आता है, मेटल का नाम बाद में आता है, और बीच में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। डोंट वरी, अगले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे पहुंच गए आगे हमारे पास आ गया बेटा कैटलिस्ट। आप सभी बच्चे जानते हो कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट स्पीड ऑफ द रिएक्शन बढ़ाता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है कैटलिस्ट, है ना। और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता ही करता है। यानी कोई भी रिएक्शन, अगर फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है वो 700 केल्विन के ऊपर चल रहा है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस रिएक्शन को 100 केल्विन के ऊपर कंप्लीट कर देगा। सपोज एक रिएक्शन 5 घंटे ले रहा है, कैटलिस्ट उसी रिएक्शन को 15 मिनट में कंप्लीट कर देगा। कैटलिस्ट एक्चुअल में करता है क्या, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर रिएक्टेंट्स आके बॉन्ड बना लेते हैं। और जब उनका, जब रिएक्टेंट्स बॉन्ड बना लेते हैं, जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, उसके बाद वो उस कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़ जाते हैं। सो बेटा जितने भी हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, इनका साइज बहुत बड़ा होता है, पहली बात। दूसरा, इनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। तीसरा, ये मल्टीपल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, क्योंकि इनके पास तीनों प्रॉपर्टीज हैं जो एक कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती हैं, लार्ज सरफेस एरिया, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी और पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इस करके मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, यानी मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैटलिस्ट का काम करता है। ये पढ़ें, अ सब्सटेंस विच कैन ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इज कॉल्ड कैटलिस्ट। द सब्सटेंस विच शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस आर कॉमनली यूज्ड एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल जो वेनेडियम है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, निकल, प्लेटिनम, ये सारे कैटलिस्ट का काम करते हैं। क्यों कैटलिस्ट हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी वेरिएबल हो जाती है, दूसरा इनका साइज बड़ा होता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, और पार्शली फिल्ड या खाली डी ऑर्बिटल होता है। अब हम पढ़ गए, पहुंच गए ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ठीक है बेटा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यानी सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसने गेन किए हैं, लूज किए हैं। अगर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगी, अगर लूज हुए हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आएगी। यूजली जितने भी हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करती हैं। मेटल मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल यानी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप नंबर 17 ले लो, ग्रुप नंबर 16 ले लो, ये सारी नॉन मेटल हैं, तो ये हमेशा माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। और ग्रुप नंबर आप ले लो 1, 2, फिर आप ले लो 3 से लेके 12 तक, ये सारे मेटल्स हैं, तो इनमें यूजली सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किसमें, किस फॉर्म में मिलेंगी, प्लस की फॉर्म में मिलेंगी। फिर आ गया बेटा इंटरस्टीशियल कंपाउंड। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनका साइज सरफेस एरिया बड़ा होता है, और उनका क्रिस्टल लैटिस जो बनता है उसमें खाली जगहें बहुत होती हैं। सो उन खाली जगहों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे छोटे छोटे एटम आके जब रहना शुरू कर देते हैं, सो वो बना देते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड। सो इंटरस्टीशियल कंपाउंड एक तरह से अलॉय होते हैं, जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल की भी, क्योंकि इंटरस्टीशियल कंपाउंड में आपको मेटल्स भी मिलेंगे और नॉन मेटल्स भी मिलेंगे। जैसे लैटिस बाय, जैसे स्मॉल एटम कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन बड़े बड़े एलिमेंट्स के अंदर आके अपने आप को फिट कर लेते हैं उनकी खाली जगहों में, तो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे स्टील और कास्ट आयरन बिकम हार्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड विद कार्बन। सो आयरन के एम्प्टी स्पेसेस में कार्बन आ जाती है, और जब वो उसके अंदर आती है तो हमारे पास कास्ट आयरन बनती है। आपको याद है मैंने आपको रोट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन करवाया ना। फिर बेटा ये आपका आज का होमवर्क है, आप सभी ने एलिमेंट्स का नाम सीखना है। स्कैंडियम, टाइटेनियम आपको +1 में भी मैंने करवाया था। 21 to 30
एलिमेंट्स के नाम करो, उनके सिंबल करो, उनके एटॉमिक नंबर करो, इलेक्ट्रॉनिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D10 तक, जहाँ पे 3D1 है ग्रुप नंबर 2 हो गया, जहाँ पे 3D10 है ग्रुप नंबर कितना हो गया 12। और जैसे जैसे बेटा अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने लग जाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने लग जाएगी। सो जब भी आप टॉप टू बॉटम, जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, एक्चुअल में ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं स्कैंडियम, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है बेटा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ये पहली ट्रांजिशन सीरीज है, पहले ट्रांजिशन सीरीज यानी पीरियड में रेंज है ये। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, ये देखो बढ़ती जा रही है, फिर घटेगी। क्यों पहले क्यों बढ़ेगी? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। बाद में क्यों घट जाएगी लेफ्ट टू राइट जाते हुए? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। फिर डायमैग्नेटिज्म क्या होता है बेटा? ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्शन फील होती है, तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। वो सारे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होते हैं जिनके पास कोई भी खाली फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये सारा लिंक है बेटा प्लस वन के साथ। आप बच्चों को याद है कि हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, तो बॉन्ड ऑर्डर में हम निकाला करते थे ना पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कलर कलरलेस। सो डायमैग्नेटिक कब होता था? जब उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, सारे इलेक्ट्रॉन पेड होते थे और कलरलेस होता था वो कंपाउंड। और कलर्ड जब होता था तो उसके पास खाली कोई ना कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन होता था, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, तो उसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसा क्यों? क्योंकि जी इनके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढेर सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर लास्ट टॉपिक है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि जब आप लेंथेनॉइड्स में, जिसमें 4f ऑर्बिटल भरा जाता है, जब आप लेंथेनॉइड में जिसमें 4f ऑर्बिटल भरा जाता है, आप जाइए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट ला जाते हो, आपको पता साइज छोटा होता है एटम का, पर लेंथेनॉइड्स में ऐसा नहीं होता, साइज ज़्यादा छोटा नहीं होता। यानी मैक्सिमम लेंथेनॉइड्स का जो शेप है और साइज है ना, वो सेम सेम होता है, बहुत कम डिफरेंस देखा गया उनके बीच में। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। एक्चुअल में जो डी ऑर्बिटल की शेप होती है ना बेटा, वो डिफ्यूज्ड होती है, उसके अंदर होल्स होते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं, तो वो न्यूक्लियस को अच्छे से मास्क नहीं कर पाता। इसके करके मैक्सिमम जब आप सेंटर से लेके एंड तक जाओगे ना, लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो आपको साइज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोलते हैं। यूजली जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज बड़े से छोटा होता है ना, पर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन में क्या होता है, साइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि जो डी ऑर्बिटल की शेप है वो डिफ्यूज्ड होती है, और जो एफ ऑर्बिटल की जो शेप, क्योंकि इसमें 4f ऑर्बिटल भरा जाएगा ना, 4f ऑर्बिटल की शेप डिफ्यूज्ड होती है, उसमें होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके कारण वो प्रॉपर कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, शील्ड नहीं हो पाता, और साइज में इतना डिफरेंस नहीं आता। सो ये हमारा आज का लेक्चर है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डिफिकल्टी हो उसको पूछ लेना मेरे से। सून हम मीट ऐप लगाने वाले हैं, सो मीट क्लास में जब हम मिलेंगे ऑनलाइन क्लास में, तो आप अपनी जितनी क्वेरी है क्लियर कर लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।